हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्न विद मीरा। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट ला रही हूँ जिसका मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ। एक टोकन प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी, इसके फीचर्स के बारे में, इकोसिस्टम, रोड मैप, इसकी सारी डिटेल, व्हाइट पेपर, ETC, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मैं न्यू न्यू वीडियोस लाती रहूं और आपको इसका कंप्लीट रिव्यू देती रहूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको इसका लोगो भी नजर आ रहा होगा, इस प्रोजेक्ट का नाम है स्वर फाइनेंस। श्योर फाइनेंस, श्योर फाइनेंस जो है वो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। तो इंश्योर फॉर फ्यूचर, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका लोगो एस बना हुआ है इसका, तो इंश्योर योर फ्यूचर। व्हाइट पेपर है इसका, तो मैं इसको पहले आपको इसका व्हाइट पेपर दिखा देती हूँ और साथ ही इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ है और इस कॉन्टैक्ट एड्रेस को जो है आपको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको बाय भी कर सकते हैं, मुझे जो कि बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। तो मैं इसको आपको व्हाइट पेपर ओपन करके दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि श्योर फाइनेंस यानी कि इंश्योर योर फ्यूचर, अपना फ्यूचर जो है वो इंश्योर कर सकते हैं आप। इसका PDF मेरे पास व्हाइट पेपर ओपन हो गया, PDF की फॉर्म में है, लेकिन ये इसका व्हाइट पेपर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसका जो है आपको रिव्यू स्टार्ट करवाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट पेपर का जो रिव्यू है, तो जैसे कि आप यहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इनका ईमेल है श्योर फाइनेंस का, श्योर फाइनेंस ऑफिशियल @gmail.com और यहाँ पे इसके www. ये इनका जो है ईमेल है। टेलीग्राम कम्युनिटी लिंक ये रहा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो चलते हैं वो अपने नेक्स्ट उसके तरफ चलते हैं। इस इनके कॉन्टेंट, इनके जो है वो इंट्रोडक्शन है, टोकनॉमिक्स है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ICO, मैनुअल बायबैक, ऑटोमेटिक जो है लिक्विडिटी, ये सारे इसके हैं जो कि हम इन्होंने कॉन्टेंट दिए हुए हैं जो कि हमने अपनी इस व्हाइट पेपर के अंदर देखेंगे। जैसे कि पहले इसका इंट्रोडक्शन है, हाउ कैन प्रोजेक्ट डिसरप्ट द ऑनगोइंग NFT मार्केट, हाउ कैन वी मेक NFT बिजनेस से जो है NFT को बना सकते हैं आसान बना सकते हैं, एक्सेसिबल टू एवरीवन एनीवेयर, हैसल फ्री वाइल बींग डिसेंट्रलाइज एंड डिफ्रेशमेंट टोकन। ये हमारा एम है कि हम गिव बैक टू हमारे अपनी कम्युनिटी को और होल्डर्स को इस प्रोजेक्ट की रूट तक पहुँचाएं, ठीक है। जैसे कि एक लॉन्चिंग, इस लॉन्चिंग का CEX और DEX सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, जैसे कि प्राइम फोकस प्रोजेक्ट रिवार्ड और कम्युनिटी विद इमेंस गेंस एज केयर ओवर। इस थोड़ा सा जो इसका इंट्रोडक्शन है आप इसे देख सकते हैं, इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, तो आपको इसका जो है इसके बारे में थोड़ी सी समझ आ जाएगी इस टोकन के बारे में। इंश्योर टू सिक्योर योर फ्यूचर, आप इसे इंश्योर कर सकते हैं, अपना फ्यूचर को है वो सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट तो है वो टोकनॉमिक्स का है, जो हमारा कॉन्टेंट है वो है श्योर फाइनेंस एज ए टोकनॉमिक स्ट्रक्चर। इसका टोकनॉमिक स्ट्रक्चर जो हैज बीन फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन अ व्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नीड्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसे टू बी सक्सेसफुल एंड एज वेल एज अ कम्युनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी प्रोफेशनल अपैरल। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टोटल सप्लाई 100 मिलियन है और ISO 50 मिलियन है। डेवलपमेंट पर वॉलेट जो है इसका 20 मिलियन है और लिक्विडिटी जो है वो 110 मिलियन है। इसी तरह से इसका जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है वो आप देख सकते हैं 10 मिलियन इसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है और 5 मिलियन इसका मार्केटिंग और प्रमोशंस को जाता है, 3 जो है एम वो डोनेशंस को और 2 M जो रिवार्ड को जाता है। आफ्टर ICO और डन करने के बाद, यानी कि ICO डन करने के बाद जो इसका रिमेनिंग टोकन है वो 30% बर्न मैनुअली और डिफरेंट इवेंट्स की तरफ जाता है, तो जबकि इसका 70% टोकन जो है वो लॉक्ड और फ्यूचर प्रोडक्ट्स को जाता है। तो उसके बाद जैसे कि ICO है, देयर विल बी 3 इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है नियर फ्यूचर अपॉन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू सीड द प्रोजेक्ट एज वेल एज बेनिफिट इनिशियल इन्वेस्टर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 इसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी वो देख सकते हैं आप। तो ICO $0.07, ICO $0.08, ICO $0.085। लिस्टिंग प्राइस जो है इनकी श्योर फाइनेंस विल भी $0.01 से होती है। इसका थोड़ा सा डेट जो है ICO की अनाउंस होगी श्योर फाइनेंस ऑफिशियल डिफरेंट कम्युनिटी चैनल्स पे, और ठीक है यहाँ पे आप इनिशियल श्योर फैमिली वुड ऑलरेडी बी इन प्रॉफिट एज वी गो टूवर्ड्स लिस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम अपने उस तरफ चलते हैं, ट्रांजेक्शन फी समरी DEX, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं एक बाइंग और सेलिंग फी के दो सर्कल बने हुए हैं जिनकी डिफरेंट पार्टीशन की हुई हैं। बाइंग फी की तरफ देख लेते हैं, इसकी लिक्विडिटी जो है वो 3% है और टीम वॉलेट 2% है। रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी रिडिस्ट्रीब्यूशन 2% है, लिक्विडिटी 3% है, टीम वॉलेट जो है 2% है, इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2% है। ये हमारे पास इनके जो है बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस है ट्रांजेक्शन फी सबरी के अंदर। उसके बाद बी श्योर टू ग्रैब यू अस इन टाइम बिकॉज इट वेट्स फॉर नन, ठीक है। मैनुअल और बायबैक बर्न्स के बारे में बताया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। इसका एक चार्ट है जो कि एक डायग्राम बनी हुई है जो कि आपको इसकी कंप्लीट दिखा रहे हैं। ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास बर्निंग है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्राइस का कॉलम है और ये हमारे पास इसकी बर्निंग की। तो आप देख सकते हैं यहाँ से
इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं पहले हमारे पास इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, इस तरह से आप देख सकते हैं। मोर देन 10 मिलियन टोकन इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, टू गो टू द मून। ये बहुत जल्द मून पर जाएगा क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग टोकन है, जैसे कि श्योर फाइनेंस बहुत अमेजिंग टोकन है, बहुत जल्द मून पर जाने वाला है। इसे जितना जल्दी बाय करेंगे उतना ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और यू हैव टू बर्न लाइक सन, इस आप सन की तरह बर्न करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी के बारे में बताया हुआ है, और बाय व्हेन देयर इज अ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। श्योर फाइनेंस बहुत ही अमेजिंग टोकन है, और इकोसिस्टम के बारे में, इनके बारे में बताया हुआ है कि श्योर डजंट बीन गेन विदाउट यूजफुल पर्पज, ये बिलीव, ये सारा कुछ इसके अंदर श्योर बार्टर के अंदर बताया हुआ है। थोड़ा सा रिव्यू दिया आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बताया हुआ है। CEX यानी कि एक मेजर पार्ट है श्योर इकोसिस्टम का, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी को हाँ इनकी प्रॉब्लम को जो है उसको आइडेंटिफाई करें, दैट मीन सोल्यूशन एंड प्रोवाइड, इसका कोई सोल्यूशन निकालें और इसको मुहैया करें। तो वही विद इन इट सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है श्योर फाइनेंस का हमारा मकसद है कि हम इसे बिल्ड करें इस प्लेटफॉर्म को, और इसको जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करें ग्लोबल मार्केट के अंदर, और कॉपरेशन करें मार्केट ऑफिशल्स के अंदर। जैसे कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट है वो जो है हेस्टेंट करती है तो क्रिप्टो के अंदर, और फेयरफुल स्कैम्स जैसे हो जाते हैं, कुछ बहुत लोग स्कैमर्स होते हैं, तो इनसे हम इन चीज़ों से डर लगता है, और हम आसानी से चेस के बारे में हम इसको एजुकेशन के अंदर ला सकते हैं। क्रिप्टो इज द बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी एंड सो इट वुड शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीबडी इन एवरी वे। तो ये हमारा टारगेट है कि हम इस तरह के अरेंजमेंट्स करेंगे और बिटवीन द ऑफिशियल एंड श्योर टू मेक अ हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप्स। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा बताया है, ब्लॉकचेन का भी आप थोड़ा सा खुद रीड आउट करेंगे तो आपको इसको इससे सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो श्योर मेटावर्स के बारे में बताया है कि मेटावर्स इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो है लोग जो है वो बहुत इंटरनेट मतलब यूज़ करते हैं, इंक्रीजिंग यूजिंग इंटरनेट, यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है इंटरनेट बढ़ रहा है, लोग यूज़ करते हैं। मेन फॉर्म ऑफ कनेक्शन एंड सेल्फ एक्सपीरियंस, द मेटावर्स लॉजिकली द नेक्स्ट स्टेप इन द वे टू बी क्रिएट कंज्यूम इंटरैक्ट डिजिटली, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर आप रीड करेंगे कि फीचर्स बताए हुए हैं इसके, कुछ फीचर्स मेटावर्स एक फ्यूचर है रियलिटी का, ठीक है। देन फिर प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि ये एक बड़ा जो है फॉरमोस्ट एलिमेंट है और श्योर इको सिस्टम, बिल्डिंग एनएफटी प्लेटफॉर्म फॉर्म स्कैच रन्स ऑन श्योर प्लेटफॉर्म ब्लॉक चेन, दस प्लेंटी ऑफ रूम इन द मार्केट फॉर न्यू प्लेटफॉर्म टू बी फंक्शनल बट ऑल्सो रनिंग ऑन द ब्लॉक चेन। उसके बाद रियलिटी रिवीलिंग एवरी मूव इज नॉट द स्मार्टेस्ट मूव। उसके बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके रिवार्ड्स के बारे में बात की गई है कि इंगेज कर सकते हैं आप, इंगेजिंग हो सकती है, और जो है गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रोजेक्ट। इसकी ये थोड़ा सा आप रीड करेंगे तो इसके रिवार्ड्स के बारे में आपको थोड़ा सारा समझ आ जाएगा कि इनका 2% जो है वो लोकेशन टोटल सप्लाई को जाता है रिवार्ड इनका। तो इस तरह से देर इज नो ग्रेटर रिवार्ड देन चेंजिंग लाइफ, कोई भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो रिवार्ड है वो कितना दिया हुआ है, कितने 1% जो है इसका रिवार्ड दिया हुआ है, और नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो सेफ्टी फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए सेफ्टी भी इसके अंदर है, ये सेफ और सिक्योर आप देख सकते हैं। प्राइम इंपॉर्टेंस इकोसिस्टम जो है श्योर इकोसिस्टम जो है ये श्योर इन फाइनेंस, ये इसकी सेफ्टी है, ये बहुत सेफ और सिक्योर टोकन है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप इसे रीड आउट करेंगे तो आपको इसके बारे में सारा समझ भी आ जाएगा। तो इसे आप देख सकते हैं सेफली बट श्योरली वी विल रीच देयर। नेक्स्ट इसका रोड मैप है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताती हूँ कि आपको इसकी प्रोग्रेस के बारे में बताता है, कितना वर्क इस पर हो चुका है, कितना होना है, सारा इसके अंदर पता चल जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट फेज से लेकर एंड तक जितना भी वर्क होना है वो सारा इसके रोड मैप के अंदर बताया हुआ होता है। तो क्वार्टर 1 2022 इनके ऊपर इन सेविंग आइडिया, ये सब कुछ इसके अंदर आप देख सकते हैं, इनका फाइनेंशियलाइजिंग प्रोजेक्ट हुआ, लोगो हुआ, ये सब कुछ इन्होंने क्वार्टर 1 2022 के अंदर। तो जैसे कि इसका क्वार्टर 2 के अंदर 2022 के अंदर पैनकेक्स ऐप लॉन्च हुआ था, स्टार्ट प्रमोशनल कैंपेन हुई, और क्वार्टर 2 के अंदर विद बिग इन्फ्लुएंसर्स हुए थे, P2PB लिस्टिंग, SMDEX लिस्टिंग, CMC लिस्टिंग और CG लिस्टिंग, ये सब कुछ इसके अंदर। क्वार्टर 4 के अंदर 2022 के अंदर लॉन्चिंग श्योर वॉलेट विद फुल इंटीग्रेशन, श्योर इको सिस्टम, ये सब कुछ होगा। क्वार्टर 3 के अंदर देख सकते हैं लॉन्चिंग श्योर बार्टर और श्योर लॉन्च पैड, लॉन्चिंग श्योर स्टैकिंग प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ इसके अंदर होगा, बिट मार्ट लिस्टिंग, ये सब कुछ इसके अंदर होगा, हॉटबिट लिस्टिंग वगैरह। तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया पर, अगर आप सोशल मीडिया पर इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इनके कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, आप इनका फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं तो इन्हें जरूर कीजिएगा। श्योर फाइनेंस ग्लोबल का, जैसे कि आप देख सकते हैं श्योर फाइनेंस एशिया का है, और ये श्योर फाइनेंस अनाउंसमेंट की लिंक्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं,
इंस्टाग्राम का भी लिंक है, ट्विटर का भी है, डिस्कॉर्ड, यूट्यूब और रेडिट, फेसबुक, मीडियम, सोशल फाइनेंस। तो ये सारा हमने व्हाइट पेपर का मैंने आपको रिव्यू दिया। तो नेक्स्ट हम इसकी साइट की तरफ चलते हैं, मैं इसको साइट का रिव्यू आपको दे देती हूँ। वहाँ से ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका आइडिया है, जैसे कि मैंने भी आपको इसके अंदर ही बताया था कि ये हमारा आइडिया है एनएफटी का, कि ब्लॉकचेन रिवोल्यूशनाइजिंग एनएफटी स्पेस विद इट्स ओन इकोसिस्टम और ग्राफ ऑफ आईसीओ, फर्स्ट आईसीओ। इसका जो सेकंड आईसीओ लाइव सून है वो देख सकते हैं आप, जो कि अभी एंड अभी नहीं बताया हुआ यहाँ पे, ठीक है, एंड हो चुका होगा लगता है, इसलिए सेकेंड आईसीओ जो है इसका लाइव सून अभी नहीं, टाइमिंग बताई हुई इसकी। जो इसका जो सेकंड जो इसका फर्स्ट आईसीओ है वो एंड हो चुका है, जो सेकंड है वो जो है इसका लाइव सून है, और वो भी इन्होंने डेट नहीं बताया, वो बहुत जल्द होगा। क्योंकि बाय शॉर्ट टोकन, आप इस टोकन को जरूर बाय कीजिएगा। अगर आप इसे बाय करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत से बेनिफिट होगा, आप घर बैठे इसे बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और जैसे कि आप किसी चीज़ पे कुछ इन्वेस्ट करते हैं और आपको बाद में उसका इन्वेस्ट का जो है मिलता है प्रॉफिट, तो इसी तरह से आप इसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पार्टीशन की हुई है आईसीओ टोकन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, टोटल सप्लाई 100% इसका, रिमेनिंग सप्लाई जो है आईसीओ वो 30% बर्न होगा, डिफरेंट इवेंट जो है वो 70% विल बी लॉक फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है, ट्रांजेक्शन टैक्स समरी बताई हुई है आपको डिफरेंट कलर में, इसके डिफरेंट इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपको सारा कुछ नजर आ रहा है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे क्यों चूज किया और क्या है ये सारा कुछ। शोर फाइनेंस बीइंग एनएफटी ऑब्टेन ब्लॉकचेन मस्ट रेटेड इन द एनएफटी मार्केट विल रेवोल्यूशनाइज, ये सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्लॉकचेन टारगेटिंग एनएफटी, ये सब कुछ इसके अंदर। अगर आप इसे रीड आउट करेंगे ना तो आपको उसकी सारी समझ आ जाएगी। तो वॉच वीडियो रिव्यू, आप इसका रिव्यू इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसको रिव्यू कीजिएगा। हमारा शॉर्ट टोकन है, बट इस शॉर्ट टोकन, शॉर्ट टोकन है क्या, शोर एक डिसेंट्रलाइज टोकन है जो कि बेस करता है बाइनांस स्मार्ट चेन नेटवर्क पर, और इसका विजन जो है वो एक्सपेंडिंग और स्प्रेडिंग करना है, इसके विंग्स को और इकोसिस्टम को क्रॉस करना है, ठीक है, इकोसिस्टम को वास्ट करना है, फैलाना है। तो इसका डिफ्रेशन, ये एक डिफ्रेशन टोकन है और मैकेनिज्म इसका ऑटो जनरेशन ऑफ लिक्विडिटी पूल है, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेशल इंट्रेजी और ऑल्सो बर्निंग ऑफ मैकेनिज्म। उसके बाद ऑथराइज्ड यूजर देख सकते हैं, टीम के एडवाइजर्स देख सकते हैं आप सारा। यहाँ पे इन्होंने एक इसका लोगो बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पोर्ट टीम, इसको स्पोर्ट, ये एक डायग्राम टाइप है जो कि आपको अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको इसकी जरूर समझ आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इनका टोकन, ये है टोकन क्या, ऑथराइज्ड यूजर आ रहा है पहले, आप देख सकते हैं ऑथराइज्ड यूजर के बाद ये टीम और एडवाइजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका इस तरह से एक आ रहा है, एक लैपटॉप है जिसपे वो वर्क करता है, उसके बाद सपोर्ट टीम को सपोर्ट करता है, यहाँ से ड्राइवर से स्मार्ट होता है क्रिप्टो एक्सपर्ट, और उसके बाद जो है ये सपोर्ट सिस्टम के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पार्टनर इन्वेस्टर्स होते हैं, पार्टनर इन्वेस्टर्स के बाद क्रिप्टो एक्सपर्ट्स में जाता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ड्राइवर स्मार्ट सर्च इंजन आया था, उसके बाद यहाँ पे सेलर डेटाबेस में जाता है, फिर बायर डेटाबेस में, और इस तरह से इसके मेन, फिर उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से स्टार्ट ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेन फीचर्स हैं इसका, फर्स्ट ऑरिएंटेड ब्लॉकचेन है, मोर देन 10 मिलियन टोकन विल बी बर्न, इस तरह से वाटर मार्केट पर अवेयरनेस है, ऑटोमेटिक जनरेशन के बारे में बताया हुआ है, एंटी डंपिंग वॉलेट और 1% टोटल सप्लाई जो है वो डे बाई डे 1 वॉलेट 2% डिस्ट्रीब्यूशन होल्डर को, 2% टोटल सप्लाई एलोकेटेड होता है, टीम वॉलेट्स जो है वेस्टेड फॉर अफेयर, ये सब कुछ इसका इकोसिस्टम के बारे में बताया हुआ है। और बार्टर के सिस्टम, बार्टर को एक्सप्लेन किया गया है कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो शॉर्ट एफ बार्टर हेल्पिंग द अनडायरेक्टेड प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बारे में, एनएफटी और ओरिएंटेड ब्लॉकचेन के बारे में, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं एनएफटी प्लेटफॉर्म के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि इनका जो नेक्स्ट अभी जो टोकन है, जब इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया तो ये नेक्स्ट एनएफटी प्लेटफॉर्म की तरफ भी जाएंगे, जो कि एक बड़ा और फॉर्मेस्ट एलिमेंट होगा शोर इकोसिस्टम का। मेटावर्स भी बताया हुआ है इन्होंने, वॉलेट की तरफ जा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो है होल्ड करें आप, सब ऐसे होल्ड करके रखें एसेट्स और यूजर फ्रेंडली ट्रांजेक्शन विद इन द वॉलेट कनेक्टेड टू श्योर पार्टर पार्टर मैनेजमेंट फॉर फंड सेफली एंड श्योर। उसके बाद इसके रोड मैप, जैसे कि मैंने अभी आपको उसके रोड मैप के बारे में और इसके उसमें भी बताया था, तो थर्ड क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर है, सारा कुछ इसके अंदर, सेकंड क्वार्टर है, ये भी मैंने आपको व्हाइट पेपर के अंदर भी इसका थोड़ा सा रिव्यू दिया था, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसका सारा कुछ इसके अंदर, ठीक है, ये आपको उसमें इसकी रिव्यू सब कुछ नजर आ रहा है, सेकेंड क्वार्टर, फर्स्ट, थर्ड क्वार्टर, ये सारे इसके क्वार्टर्स नजर आ रहे हैं जिसके अंदर इसका बारे में बताया है। और इनकी टीम ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया इसको यहाँ तक लाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए, और वही इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके जो फाउंडर हैं अरेज और को फाउंडर लकी हैं, एजे जो है इनके सीईओ है, और टॉम चेयरमैन के को, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए आप इनके इनके कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
हाउ टू बाय और टोकन, अपने टोकन कैसे बाय कर सकते हैं, टोकन नेम श्योर फाइनेंस है, ठीक है, टोकन सेवल श्योर है, लॉजिक प्राइस इतनी है, टोटल सप्लायर प्रोजेक्ट प्रोटोकॉल पेरेंट्स ये सब कुछ इतना है, टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया हुआ है, ये सब कॉपी भी कर सकते हैं। हैव अ क्वेश्चन, यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो आप यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए बनाई, अगर आप सोशल मीडिया पर इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इनको सोशल मीडिया को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप इनका फैमिली मेंबर बने। और बाय पेपर और इसके बाय नाउ आप इसे जरूर बाय करें ताकि आप इसे बाय करेंगे तभी आप इसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो एंड हुई, हाफिज़ याद रखिएगा, आप मुझे लौटूंगी और वीडियो के साथ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर लाइक।